वेलकम टू माय चैनल असंग खाट। एज ऑलवेज आज की पेंटिंग में आपको कुछ यूनिक और नया सा सीखने को मिलेगा, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैंने एक रोज फ्लावर को यहाँ पर कपड़े के ऊपर उतारा है और यहाँ पर आपको एक सेंटर में बड़ा फ्लावर और साइड में फ्लावर का बर्ड दिखाई देगा और साइड्स में आपको कुछ लीव्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हुए दिखेंगे। इस डिज़ाइन में मैंने दो कलर्स को चूज़ किया है, वाइट और डार्क पिंक। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ्लैट ब्रश के ऊपर वाइट कलर को फ्लावर के बर्ड में फिल करना स्टार्ट कर दिया है। हम यहाँ पर वाइट कलर को अच्छी तरह से फ्लावर के बर्ड में फिल करेंगे और फिर मैंने डार्क पिंक कलर को उसी सेम ब्रश के ऊपर लिया है और उससे मैंने इस फ्लावर के बर्ड को शेडिंग देना स्टार्ट कर दिया है। शेडिंग इस तरह से शेडिंग देने के लिए आपने अपने कलर्स को ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है। मीन्स जो सबसे पहले आपने वाइट कलर को फ्लावर के स्ट्रक्चर में फिल किया है वो हमारा कलर वेट ही होना चाहिए जब हम डार्क पिंक कलर को वहाँ पर यूज़ करेंगे, तभी हमारे डार्क पिंक कलर के दो शेड्स हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। लीव्स को यहाँ पर मैंने पेंट किया है दो कलर्स के साथ। सबसे पहले जैसे मैंने फ्लावर के बर्ड में वाइट कलर को यूज़ किया था, वैसे ही लीफ में मैं वाइट कलर से लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ पर पेंट कर दूँगी और फिर मैंने वहाँ पर सैपलिंग कलर का यूज़ किया है और ऐसे हमारी यहाँ पर लीव्स रेडी हो जाएंगी। इस डिज़ाइन में मैंने कलर की कंसिस्टेंसी को थिन ही रखा है और कलर की कंसिस्टेंसी को थिन रखने के लिए आप मीडियम या फिर पानी का यूज़ कर सकते हैं। जब आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी इससे भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स और जिनको पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं उनके साथ शेयर करें। अगर आप भी पेंटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं बट आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप स्टार्ट कहाँ से करें, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने बिगनर्स के लिए बेसिक टिप्स ऑफ पेंटिंग का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने बहुत स्टार्टिंग पॉइंट से पेंटिंग कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस किया है, तो आप मेरी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि ब्रश की टेक्निक को यहाँ पर मैंने लीफ में कैसे यूज़ किया है। जब मैंने लीफ की बाउंड्री को पेंट किया तो ब्रश की मूवमेंट बाउंड्री टू सेंटर है और जब मैंने सेंटर को पेंट किया लीफ की तो मेरी ब्रश की मूवमेंट सेंटर टू बाउंड्री जा रही है। ये टेक्निक आप भी यूज़ कीजिए, आपको पेंटिंग में काफ़ी यूज़फुल रहेगी। आज के डिज़ाइन में मेन फ्लावर को पेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने कपड़े को थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से गीला किया है और अच्छी तरह से सारे फ्लावर में पानी को यूज़ करने के नेक्स्ट अभी मैंने यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ किया है। वाइट कलर को इस फ्लावर में मैंने अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बट मेरा कलर बहुत ज़्यादा थिन है जिस वजह से जो मैंने यहाँ पर फ्लावर को ट्रेस किया था वो मुझे इस कलर से भी अच्छी तरह से विजिबल है, तो जब मैं नेक्स्ट कलर को यहाँ पर यूज़ करूँगी तो मुझे फ्लावर की मार्जिन्स फिर भी विजिबल होंगी। तो जो भी ब्रशेस और कलर्स का इस पेंटिंग में यूज़ हुआ है आप उन सब की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने हर चीज़ को डिटेल में बताया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी स्किप हो जाए तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। वाइट कलर को इस फ्लावर में मैंने अच्छी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और फिर मैंने यहाँ पर डार्क पिंक कलर का यूज़ किया है। डार्क पिंक कलर से मैंने फ्लावर को अच्छी तरह से शेप दिया है और मैंने इसी कलर के दो शेड्स इस फ्लावर में फॉर्म कर दिए हैं। कुछ जगह पे आपको डार्क पिंक कलर डार्क दिखाई देगा और कुछ जगह पे आपको लाइट, और इसी कलर से मैंने शेडिंग भी दी है। जो मैंने फ्लावर को ट्रेस किया था इस कपड़े के ऊपर वही मुझे इस वाइट कलर में दिखाई दे रहा है और उसी के ऊपर ही मैंने यहाँ पर डार्क पिंक कलर को यूज़ किया है। आपने यहाँ पर नोट रखना है कि आपके कलर्स यहाँ पर ड्राई नहीं होने चाहिए, अगर ड्राई हो जाएंगे तो आपकी शेडिंग प्रॉपरली नहीं आएगी।
सबसे बड़ा थैंक्स आप सभी व्यूअर्स को ही जाता है, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं डेली की वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप मेरे वीडियोस में से क्वेश्चंस को उठाते भी हैं और उनको कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते हैं। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मेरे बाकी के सोशल अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। और मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब आप मेरे साथ कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के एंड पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखकर आप और भी अच्छे से पेंटिंग करना सीख सकते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।